मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट एग्जाम थिब्बी कॉलेज का, ठीक है। हम लोग का रिजल्ट, हम लोग का एग्जाम्स हुए सो नवंबर में हो गए थे कंप्लीट, लेकिन रिजल्ट इतना लेट आया, ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद रिजल्ट आया हम लोगों का, वो भी पूरा नया है। सिर्फ डिस्टिंक्शन, मतलब डिस्टिंक्शन से आए फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, बाकी ऑलमोस्ट 45 बच्चे फेल हो गए। टोटल लिखे 75 की स्ट्रेंथ है क्लास की, उसमें से ऑलमोस्ट 45 फेल हो गए क्लास के, और रिजल्ट नहीं आया और फेल लेवल के इंडिकेट कर रहे समझे। और उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के पास गए, बात करने प्रिंसिपल के पास गए, तो उन्होंने जो है सो अब आता जब आता, हम लोग पहले से कर रहे रिक्वेस्ट कर रहे मैम सर जल्दी, अगर आप लोग बात करें जल्दी करें तो जल्दी आएंगे रिजल्ट, बल्कि हम लोग कितने की मतलब रिक्वेस्ट करें उनसे, वो तो गए ना रिजल्ट के लिए अपील करने आ रहे, तो ये लोग इतनी झिड़कियों से बात कर रहे हैं, इतनी झिड़कियों से और ये बोले हम लोग अपने डिमांड्स रखने गए, लाइक रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, आप लोग मैनेजमेंट में है, आप लोग सब कुछ कर रहे, तो ये बोल रहे कि तुम लोगों को फेल करके भेज देती हूँ मैं, तुम लोगों के ऊपर क्या बोलते हैं बदअखलाकी कर रहे, जबकि हम लोग पूरा रिक्वेस्ट से बात कर रहे और ये बोल रहे कि आप लोगों के पास तरीका नहीं है, और हमको धमकी दे रहे, स्टूडेंट्स को धमकी दे रहे कि तुम लोग क्या करते कर लो, CM तक जाते जाओ, लेकिन मैं तुम लोगों को फेल करके फेंक देती हूँ, लेकिन मेरे मन में जो कर रहा मैं वही करने वाली हूँ, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, मेरे को पूरे ऑर्डर्स है बोल रहे। अब प्रिंसिपल होने के नाते ये नहीं होता कि बच्चों के साथ ऐसे उनका कैरियर बदनाम पूरा ख़राब कर दें, 45 मेंबर्स को फेल कर दिए पूरे 45 मेंबर्स को, और हम लोग अपील करने के बाद ये बोल रहे कि आ जाता कल आता बोलकर सिर्फ झूठी तसल्ली 3 महीने से देते आ रहे हम लोगों को, और दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके लिए हम लोग अपील करने आए, तो ये लोग ये बोलते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे बोलकर बोलते, पर एक भी काम पूरे से नहीं होता, सिर्फ यही धमकी कि तुम लोगों को फेल करके भिजा देते, तुम लोगों को नहीं ले रहे, तुम लोगों को मेमोज दे के वापस भिजा दे रहे कर रहे बोलते। 45 स्टूडेंट्स को फेल किए हैं, 45 आउट ऑफ 75, पूरा हम लोग की स्ट्रेंथ है 75, उसमें से सिर्फ 30 पास है, बाकी के 45 को फेल कर दिए, ये बोल रहे हैं कि तुम लोग सही से नहीं पढ़े बोल रहे हैं, हमको पढ़ाने वाले तो आप लोगों का ही मैनेजमेंट है ना, आप लोगों को हमको पढ़ा, ये बोल रहे हैं कि तुम लोग ना हेले ना अखला, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे स्टूडेंट के साथ, जबकि हम लोग पूरे जाके रिक्वेस्ट से बात कर रहे हैं मैम से, मेरे पास पावर्स है, मैं जो करना चाहूँगी सब करती हूँ, तुम लोग नहीं बोलना बोल रहे हैं, और क्लासेस का ऐसा है कि कोई लेक्चरर्स ऐसे हैं कि पाबंदी से आके लेते, बस ऐसे लेक्चरर्स भी है दूसरों को भी जाते, लाइक जिसको लाइक अभी ऐसे है PGs है, उन लोगों को ये बोलते हैं कि तुम लोगों को वो होता एक्सपीरियंस होता, बल्कि जबकि PGs तक भी नॉलेज नहीं है, हमारा स्टाफ इतना वैसा है कि ना कि दूसरों को सही से तालीमात दिए, ना हम लोगों को जो अब UGs जो फ्रेश आके उन लोगों को भी सही से नहीं, और इवन हम लोग बोल रहे हैं कि वॉशरूम्स की अपील करें उसके लिए भी नहीं है, बॉयज़ को हमारे इतने बड़े यूनानी कॉलेज में बॉयज़ को जाने वॉशरूम नहीं है, हम लोग बाहर ऐसे छोटी मस्जिद में जाते 10-10 मिनट वेट करके, नमाज का टाइम रहता कभी कभी दूसरे जने जाते हम लोग वेट करके जाते, और पूरे गर्ल्स को एक ही कॉमन वॉशरूम है, हम लोग की स्ट्रेंथ है 400-500, उसको सिर्फ एक ही कॉमन वॉशरूम गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ को तो वो, हम बस ये चाह रहे कि जो हमारे को रिजल्ट आया है वो पूरा अनसेटिस्फाइड है, हम लोग उसे सेटिस्फाई नहीं है, जबकि हम लोग ने इतनी मेहनत करके अच्छे से लिखा है, हम ये जानना चाह रहे कि हम लोग फेल जिसमें प्रैक्टिकल में, ये बोल रहे कि प्रैक्टिकल में होना बोलकर फेल किया गया, यहाँ के पे PGs भी है और हमारे सीनियर्स भी ऐसे है जिसको बोल कर फेल किया जाता है, बोलते हैं कि तुम आपको प्रैक्टिकल में फेल करो बस फेल कर देते हैं, हमको ये चाहना है कि हम लोग इतनी मेहनत से लिखने के बावजूद भी हमारा रिजल्ट ऐसा क्यों है, जब अपील करने आए तो इस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सस्पेंड करके तुम आपको निकाल देते। मैं PG स्कॉलर SPM डिपार्टमेंट, मेरे को जो है फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट में फेल करे, वो वांटेडली मेरे को फेल करे और एक भी बच्चा है उसको भी फेल करे और हमारे को प्रैक्टिकल में फेल करे हैं, वो इसलिए कि हम लोग इनके बाता नहीं सुनते थे, इनके ये काम नहीं करते थे, इन लोग यहाँ पे कॉलेज में PG स्कॉलर बोलते पर्सनल अटेंडर समझ ले रहे, यहाँ पे दुनिया के कामा करा लेते पर्सनल कामा, कॉलेज के टाइमिंग पे बाहर लिख जाके जो है पर्सनल उनके पर्सनल कामा करा लेते, और लास्ट टाइम पे जब मैं खाली एक दो बार मैं पैसे नहीं दिया इनको 5,000 रुपये कुछ पूछे थे, 3 बच्चे जो दिए उनको पास कर दिए और 2 बच्चे जो नहीं दिए उनको फेल कर दिए, और एक भी बच्चा है उसमें वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए नहीं आ सका, और इतने पैसे मांगे हैं पैसे खाली खर्चों में, इधर चेन्नई जाना है मेरे को काम है 5,000 रुपये दो, मैं बोला सर नहीं, मैं बोला बच्चों से कलेक्ट करके देता हूँ, तो क्या बोलते नहीं तो अकेला ही देना, ला के मेरे को देना पैसे, हर बच्चे से अलग अलग बुला के ये लोग पैसे लेते, डिपार्टमेंट के नाम से पैसे लेते, पर्सनल यूज़ के वास्ते पैसे लेते, फेल करने की धमकियाँ देते, डराते बच्चों को, और ना तो ये खिलासा लेते सही से बराबर से, SPM डिपार्टमेंट में कोई लेक्चरर गुल हुसैन और सलीम दोनों भी एक क्लास नहीं लिए, सलीम सर दोनों एक क्लास नहीं लिए, यहाँ पे 3 साल से मैं यहाँ पे एक क्लास नहीं लिए, मैं जब से यहाँ पे एडमिशन लिया मेरे से अटेंडर से ज़्यादा जिराक्स लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को पोस्ट ऑफिस भी जाते, मेरे बैंक को कामा कराते, मेरे से 3 साल सिर्फ मेरे से यही कामा कराते रहे, एक बच्चा पढ़ने के वास्ते तो क्या कैसा पढ़ेंगा, पर्सनल कामा करा रहे, अरे मैं अपनी नज़रों के सामने गिर गया इन लोगों के वास्ते क्या क्या करा मैं बोल के,
फेल होने के बाद मेरे को समझ में हकीकत मालूम नहीं लगी, कितने घटिया इंसान है लोग, लेक्चरर के नाम पे धब्बा है, यूनानी सिस्टम को बर्बाद करके रख दे रहे हैं लेक्चरर। आज रिजल्ट आया सेकेंड ईयर KNR यूनिवर्सिटी का, उसमें 74 बच्चे अटेंड किए थे जिसमें 32 पास हुए 42 फेल हुए। तो उस ताल्लुक से बच्चे जो एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज का एग्जामिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं रहता, कोई इंटरनल कोई, और ये जो पेपर करेक्शन करने के लिए अदर यूनिवर्सिटी जाता। मैडम ये कहना है कि आप जानबूझकर कर रहे हैं लोगों को फेल? नहीं नहीं नहीं, हमारे हाथ में है ही नहीं। कितने वक्त कहा है लोगों के हम आपको फेल करेंगे, कितने मरतबा कहा फेल करेंगे? तो कोई बता रहे प्रैक्टिकल में कोई फेल हुआ तो जाए अप्रूव बताइए बोलिए, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता पहले तो जी। अगर अच्छा करे तो बहुत अच्छा, नहीं नहीं भी बोले तो प्रैक्टिकल में तो पास होते। थियरी पेपर्स ऐसे है, इसमें दो वैल्यूएशन इंटरनल एक्सटर्नल करता। अब तो KNR का ऐसा है डिजिटलाइज करेक्शन है, जो अदर यूनिवर्सिटी में जाके करेक्शन हुआ, फर्स्ट वैल्यूएशन हुआ सेकेंड हुआ, उसमें 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता, 10 मार्क्स से एक्स्ट्रा पास दिए तो ये थर्ड यूनिवर्सिटी का जो डिले भी हुआ वो थर्ड यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी वहाँ पर करेक्शन हुआ, इसलिए बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं है, हमको भी अफसोस है इसका। और लेकिन बच्चे ये बोल रहे हैं कि आपने जान अगर कहा भी तो फेल हमारे हाथ में है ही नहीं, कोई भी फेल नहीं करता। मैं क्या कोई यहाँ का स्टाफ नहीं फेल कर सकते इसमें, अगर फेल करना है तो फेल पास का तो है नहीं, कोडिंग है डिजिटलाइज है, किसी को नहीं मालूम होता कि इनका पेपर है या अलारिफ के जो गल्पिंग हो क्या हुआ आपके तो 175 सेकेंड ईयर में अटेंड करें जिसमें से 30 वहाँ के कितने हुए पास, वहाँ के भी 30% हुए, यहाँ के भी 32 हुए। इसमें कॉलेज का स्टाफ या मेरा कुछ भी नहीं है ताल्लुक, यूनिवर्सिटी का है। अब हम यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं कि ये रिजल्ट कैसा हुआ, इतने फेल क्यों हुए, मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी लेटर पास कर। कॉलेज का कुछ ताल्लुक नहीं है, मेरा भी नहीं।